मैनी बा मेरा मुर्शद लुटा, मैनी बा मेरा मुर्शद लुटा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हाल ही में नई एक्सीन जो पुंछ में यहाँ पे जिन्होंने चार्ज संभाला है सतीश भगत जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि पुंछ में जो इस वक्त पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कौन से मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और कौन कौन से जो इस वक्त जो काम है यहाँ पे टेकअप किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पुंछ विजन चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को और पुंछ की इस धरती को आदाब सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं करीब 15-20 दिन हो गए मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए और मेरे जो जहन में पुंछ का जो एक ख्याली नक्शा था ऐन उसी नक्शे के मुताबिक मैंने इस पुंछ की धरती को देखा है, पाया है। लोगों में बड़ा खलूस है, लोग बड़े इज्जतावरी से किसी भी बाहर के इंसान का बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके मीडिया के थ्रू मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ कुछ खिदमत करने का मौका मिलेगा और पुंछ में मुझे जो अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर जो काम करने हैं वो मैं यहाँ से मतलब अपने नाम की कोई इज्जत कमा के जाऊँ, यही मेरा एक सपना है। जी भगत साहब, जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे जो काम चल रहे हैं, यहाँ पे सड़कों की बात है, यहाँ पे जो छोटे छोटे काम हैं स्कूलों पे हैं, तो आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जो डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब वाला। यहाँ ये एक ऐसा वाहद डिस्ट्रिक्ट है और एक पीडब्ल्यूडी का एक इतना बड़ा डिवीज़न है जिसमें लगभग 925 के करीब किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ मेंढर से लेके सावजियाँ और सावजियाँ से लेके हमारे चक्कांदा बाग और जो हमारे जितने भी ये पसमानदा इलाका हैं और यहाँ पर हमारा बॉर्डर भी जो है वो इंडो पाक बॉर्डर है, तो ये सारे इलाका जो हैं ये पसमानदा हैं। रोड्स की यहाँ अंतर ज़रूरत है, लोगों को बिना रोड नेटवर्क के कोई भी तरक्याती काम जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सिरे नहीं चढ़ सकते हैं। हम अगर बात करें रोड की तो उसमें लगभग हमारा जो आधा जो हमारा हिस्सा है 925 किलोमीटर टोटल लंबाई है तो उसमें आधी लंबाई जो है वो ब्लैक टॉप है। लेकिन मैंने जो इन दिनों में जितना भी मेरा फ्लाइंग टूरिंग रही जहाँ मैंने विजिट किया, चाहे ख्वाब वो मैंडर में हो, सुरनकोट में हो, मंडी में हो या पुंछ प्रॉपर में हो, तो उसमें मैंने देखा कि रोड्स की हालत कुछ बेहतर इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी हमारे जो हमारे मंत्री मंत्री तामीरात हैं हमारे नईम साहब, उनका यही एक अहद है और गवर्नमेंट का भी यही अहद है और उसके उनके ज़रिए हम लोग जो हैं ग्राउंड पे काम करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। उसमें रोड्स की क्वालिटी और उनकी जो क्वान्टिटी है, जितने भी हमारे टेंडर्ड वर्क्स हैं, आजकल आपको पता है कि कन्वेंशनल वर्किंग तो ख़त्म हो गई, ई टेंडरिंग पे हम हर एक काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम भी ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है। उसमें हमारे जो रोड्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं, एक तो उनकी जो हालत अगर ख़राब है उसको बेहतर से बेहतर करना ये एक हमारा एक चैलेंज है। दूसरा, नए रोड्स पे हमें बीटी करनी है। मसलन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर हम बात करें तो हवेली, हमारे सुरनकोट और हमारा जो ये मेंढर का इलाका है जिसमें हमारे तीन हलका पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, उसमें हमारा ये कोशिश होगी कि इस साल हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 किलोमीटर ब्लैक टॉप करेंगे। ये हमारा एक हमारा फ्यूचर प्लान है जो इस साल हमने कंप्लीट करना है। तो फंडिंग की अगर पोजीशन ठीक रही तो उसमें हमारे रोड नेटवर्क जो है काफ़ी हद तक सुधर जाएगा।
अब बात करेंगे मेगा प्रोजेक्ट की, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा सरे अव्वल है वो है हमारा चकांदा बाग, जिसे हमारे जो है ना वो इंडो पाक जो ट्रेड के माध्यम से हमारे तजारती जो रिलेशन है वो कायम होते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ऑफिशियल अकोमोडेशन, ड्राइवर्स की बैरक्स और वो सारा कम्प्लेक्स जो ऑलरेडी बन चुका है, उसके अलावा लगभग हमारा जी 12 करोड़ का जो हमारा जी प्रोजेक्ट है वो नवंबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा जी। और उसके अलावा हमारा मिनी सेक्ट्रेट जो सितंबर 2014 में शायद हमारे जो अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंसी की जद में आ गया था, उसको हम रिवाइव रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द हम उस पर काम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स में मिनी सेक्ट्रेट पुंछ, मिनी सेक्ट्रेट मेंढर और उसके बाद मिनी ये हमारा ऑडिटोरियम है डिग्री कॉलेज यहाँ पर पुंछ में, तो इस तरह के कई दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम बड़ी मतलब तेजी से काम जो है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। भरत साहब, जब एक प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात रहती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफ़ी कोशिश के बाद जो है प्रोजेक्ट की अप्रूवल होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो उनके लिए पैसा आता है, कई बार इसमें डिलेइंग होती है, तो कम से कम आपके टर्नओवर में हम ये चाहेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हों और क्वालिटी भी उनकी मेंटेन रहे। बहुत अच्छा सवाल है आपने। कन्वेंशनल वर्किंग से जब लोगों की जो जहनीत है, लोगों का जो दिमागी जो एक सोचने का तरीकाकार है वो कन्वेंशनल वर्किंग से यानी डिपार्टमेंटल कामों से ई टेंडरिंग पर स्विच ओवर होना एक बहुत बड़ी जो हमारी एक सोसाइटी में ओवरऑल अमले में चेंज है और पीडब्ल्यूडी की वर्किंग में भी एक बहुत बड़ी चेंज है। इसके लिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रोफेशनल ठेकेदार हैं जो शाना बशाना हमारे साथ चलते हैं, उनके बगैर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अधूरा होता है, उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं कि भी अपनी जो अपने ख्यालात जो हैं वो पैसे का जो बेहतर से बेहतर इस्तेमाल और कम से कम टाइम में जो हमारे जो काम हैं वो ख़त्म हो। और लोगों के तई अगर हम बहुत जल्द प्रोजेक्ट ला के, जैसे आपने बड़ा बोला कि बड़ी मेहनत से जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं और उनको अमली जामा पहनाना एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम है जो अपने AWEs और JEEs के द्वारा अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का काम पेश करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपकी भी पूरी कोशिश रहेगी कि बेहतर से मेरी अंतक कोशिश ये रहेगी कि इस पुंछ की हमारी जो ये पसमानदा जिला की जो तरक्याती स्कीमें जितनी भी हैं वो ग्राउंड पर नजर आएँ। और मेरा ये एक अहद है कि पुंछ में जितना बेहतर से बेहतर मैं क्वालिटी का काम और लोगों को जितना सा जितना मुतमईन कर सकूं ताकि हर एक घर में खुशहाली हो, रोड जाए, रोड के साथ और तरक्याती स्कीमें जाएं, तो जब तक रोड नेटवर्क नहीं वही एक लाइफलाइन है जिससे हमारा एक हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है किसी भी लेवल का, किसी परिवार का, किसी घर का, मोहल्ले का, गांव का या शहर का बिना रोड नेटवर्क के इनकम्प्लीट है। और ये अहद रहेगा कि जहां जहां तक पॉसिबल हो सका कोशिश करके ये सड़कें जो हैं उनका निज़ाम बेहतर से बेहतर बनाया जाए और बच्चों के स्कूलों का निज़ाम जो रमसा के स्कूल हैं कहाँ रमसा के स्कूल मैं आपको बताऊँ जनाब मन को 39 के करीब हमने ये रमसा के स्कूल टेकअप किए हैं जिसमें 15 के करीब हमारे जो हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं और 9 जो है नियर कम्प्लीशन है। कुछ एक में हमारे दुश्वारी आती है, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, लैंड डिस्प्यूट हो गया या कोई दूसरी कोई क्लियरेंस वगैरह होती है, वो भी हम बहुत जल्द दूर करके और रमसा के जो हमारे स्कूल हैं तकरीबन हैंडओवर हो जाएंगे। डिग्री कॉलेज सुरनकोट है, डिग्री कॉलेज पुंछ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, इन सभी प्रोजेक्टों पर हम अंतक मेहनत करके कंप्लीट करने की कोशिश में जी। इसके अलावा जहाँ पे डिग्री कॉलेज पुंछ की जो मतलब जहाँ पे एक ऑडिटोरियम हॉल है, लेकिन जिस तरीके से आप अभी एक नया जो ऑडिटोरियम हॉल बना रहे हैं तो पूरे पुंछ की यानी कि एक जिसे कहा जाए डिस्ट्रिक्ट का एक मेन वो ऑडिटोरियम होगा, तो उसे जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि वो वेल इक्विप्ड हुआ हर चीज से, तो वो उसकी क्या उम्मीद रखी जाए कि कब तक हो? देखिए डिग्री कॉलेज पुंछ में वाकई में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला ऑडिटोरियम होगा और इस ऑडिटोरियम पर जो हमारा जो सोसाइटी का या हमारी जो जनता का एक एक मतलब प्रेशर जैसा होगा कि भाई इस हाल को किस बेहतर से बेहतर तरीके से जो मतलब इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमारे देखिए दूसरे हमारे जैसे मसलन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है या दूसरे, इस मायार पे कोशिश होगी कि इसको भी हम हाईटेक ऑडिटोरियम बनाएं
और कोशिश रहेगी इसमें जल्द से जल्द अगर फंडिंग हमारी फंडिंग हमारी स्पॉन्टेनियसली ठीक चलती रही, ठीक ठाक होती रही, तो इसमें डिले का कोई कारण नहीं है, हम जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे और अल्ट्रा हाई टेक ऑडिटोरियम जो है वो कॉलेज को मिलेगा। इसमें जी जी एक्शन साहब हमारी भी ये कोशिश होगी कि इसमें आप ये चीज करें कि इसमें जो जितना भी इसका फर्नीचर है, दिगर जो चीजें हैं, वो सारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही करे, ना कि सिर्फ बिल्डिंग बना के छोड़ दे, बल्कि हाईटेक बनाने की वो तमाम तक जो सहूलियात है वो सारी चीजें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वहां पे। डेफिनेटली हमारी डीपीआर में जो जो चीजें हमने सबमिट की हुई है और जो जो चीजें हमें यहाँ पर सेंक्शन में मिली है वो हम हर तरह से उसको अप टू डेट पूरा करके कंप्लीट करके देंगे और क्वालिटी के साथ उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है, स्क्रीन होती है, पर्दा होता है, लाइटों का सिस्टम होता है, आपका ऑडियो सिस्टम होता है सारा। तो इसमें हम डीपीआर के मुताबिक सेंक्शन जितनी आइटम्स होंगी वो हम कंप्लीट करके देंगे। हाँ, अगर चक्का दीवार की बात करें, हाल ही में जो मतलब एक दो जो बम थे वहाँ पे गिरे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसका काफ़ी जो है खराब हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसके साथ जो काफ़ी गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है उस एरिया को बेहतर बनाने की, तो अभी मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या कुछ है, अभी आप कैसे उसे रिवाइव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी एक अशद ज़रूरत है वहाँ के चक्का दीवार का जो एक तजारती सेंटर है उसमें। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल तावन जो करके चल रही है, उनकी हिदायत के मुताबिक अभी रिसेंटली उसी ट्रेड सेंटर के कंपाउंड में हम दो दो जो हैं वो बंकर्स बनाने जा रहे हैं जी। बंकर्स इसलिए कि वहाँ पर तैनात अमला जो है वो शिद्दत गोलाबारी से जब परेशान होता है तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए, बचने के लिए, बचाव के लिए वो एक पहली प्रायोरिटी है, वो ज़रूरत है। उसके ऑर्डर्स हमें प्लेस भी हो गए हैं और वो हम जल्द शुरू करेंगे। वो कंक्रीट बंकर्स हम जो हैं वो बमबारी से टोटली बचाव के लिए बेहतर से बेहतर वो सुरक्षा जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज और जो स्टाफ वहाँ पर तैनात होगा वो भी उसके लिए और साथ ही हमारा जो नया कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी हम एक बंकर जो है बनाएंगे ताकि वहाँ पर जो ऑनगोइंग हमारी जो वर्क एक्टिविटी है वहाँ तैनात जो लेबर वगैरह है वो ठीक से बैठ सके। भगत साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया और हमारे साथ ये बातें की, और आप शुक्रिया बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के ताई हम दिन रात तत्पर मेहनत करेंगे और वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ किसी भी वक्त अपनी मसले मसाइल लेके आ सकते हैं, हम उनके लिए 24 घंटे सर्विस देने के लिए तैयार हैं जी। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे एक्सिन पीडब्ल्यूडी पुंछ सतीश भगत जी, जिन्होंने हमारे साथ बड़े खुले दिल से बात की और उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और बेहतर जो सड़क नेटवर्क है और जो बिल्डिंग्स के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जल्द बेहतर से बेहतर किया जाएगा और पुंछ की आवाम को जो सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी। कैमरा पर्सन जहांगीर शेख के साथ वजाहत बुखारी, पुंछ विजन चैनल के। मैंने वहाँ मेरा मुर्शद लुटा, मैंने वहाँ मेरा मुर्शद लुटा, लखमणा।